नमस्कार दोस्तों, और मैं संजीव कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा गणित का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो प्रतियोगी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना ज़रूरी होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या दी है, मान लीजिए मेरे पास संख्या कोई एम दी है, ठीक है, कोई संख्या एम है और उसकी पावर कुछ भी हो, एक्स बाई जेड। कोई संख्या दी है, उसकी पावर कुछ भी क्यों ना हो, और उस संख्या से, जो संख्या हमारी थी उसकी पावर कुछ भी क्यों ना हो, उस संख्या से अगर हम एक कम कर दें, कितना, एक अगर हम कम कर दें, तो कम करने के बाद अगर हम इसको भाग करेंगे जो शेषफल आएगा वो हमारा वन होगा। कितना होगा शेषफल हमारा, कितना हो जाएगा, ये मेरा वन हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई भी संख्या हम ले लें उसकी पावर कोई भी हो, एक्स वाई जेड, यहाँ पर ये संख्या पावर था, अंडर रूट में हो या बिना अंडर रूट में, किसी भी तरीके का पावर दिया हो, लेकिन जब कोई संख्या दी है उससे एक कम संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो शेषफल जो आएगा वो हमारा वन होगा। इसका मतलब जो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा ये सात था, इसकी पावर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन जो सात है इससे अगर हमारा एक कम, कितना होता है, छः से अगर हमने जब भाग इसको किया है तो मेरा शेषफल भी इसका कितना आएगा, वन ही आएगा, ठीक है, वन ही आएगा। अगर आपको ये समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है, अगर आ गया हो तो इसे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। दूसरा सवाल जैसे हमारे पास है, मान लीजिए मेरे पास ये थ्री था, इसकी पावर 19 है, ठीक है, अब इसको अगर हम दो से भाग कर दें, किससे, दो, क्योंकि हमने अभी आपको बताया अगर जो संख्या हम लेंगे उससे एक कम संख्या से अगर भाग करेंगे उस संख्या की पावर चाहे क्यों ना कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, तो हमेशा जो शेषफल आएगा वो वन ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा, वन आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इस तरीके के सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही है। अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। धन्यवाद।